हेलो, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सभी लोग अपने अपने घर पे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में सर्दी का आनंद ले रहे होंगे अपनी अपनी रजाई के अंदर। ठीक है, संदीप स्वामी यही हैं, वही यही हैं, आ गए हैं अपन सभी को वेरी गुड इवनिंग। और इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर रजाई में घुसको सबको नमस्कार। देखो, रजाई में अपनी क्लास व्लास लेते रहो, है ना? ठीक है, डेली लेते रहना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सोहेत चौधरी जी, संदीप, जावेद, गीता, सलोनी, टीना, संदीप, नितेश, जावेद, नितेश, सभी को एकदम बढ़िया गुड इवनिंग सब। तो इस शाम की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं बेटा? जो हमारी हिमेटोलॉजी की दुनिया चल रही थी, हम एक हिमेटोलॉजी की दुनिया के अंदर जो हम घूम रहे थे और हिमेटोलॉजी की दुनिया के अंदर और भी चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें आज हम और आगे पढ़ने वाले हैं। एक बार क्या करेंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारी जो ये क्लास है वो लाइव ही रहने वाली है। इसके बाद में आप देखना चाहेंगे अपनी क्लास को तो कभी भी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आपका 9 से 10 के बीच में जो टाइम रहने वाला है उसी के अंदर ये क्लास आपको लाइव मिलेगी, उसके बाद में बिल्कुल भी लाइव नहीं मिलेगी साहब। पूजा कुमारी, प्रियल, सभी को वेरी गुड इवनिंग साहब। थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम कि हमारे जो कोर्सेज है उसके जो पीडीएफ नोट्स है ना बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पीडीएफ नोट्स है वो आपको कंप्लीट अवेलेबल है हमारी एक्स्ट्रा टेक क्लासेस के ऐप के ऊपर, है ना? आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड करिए। आपको वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर सेकंड ईयर के नोट्स मिल जाएंगे सिर्फ 199 रुपये में। आरटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, डीआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर। और डीएमएलटी के भी नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 49 के अंदर। ठीक है, 50 भी आपको नहीं देने, 49 आपको देने। ये सभी नोट्स वो नोट्स हैं जो पहले टॉपर्स रह चुके हैं, उन्हीं के नोट्स अपन ने आपको प्रोवाइड करवाया है साहब। ठीक है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपके देखो नंबर दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली आपके जो नोट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं साहब। कांटेक्ट आपको तभी करना है जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको जारी कर दिया गया है, उसके अंदर आपकी जो क्लासेज है, जो फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है ना, ओटी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज है उसका भी कोर्स अपने लॉन्च कर रखा है। 2119 है ना, 2199 का आपको कोर्स मिलने वाला है। ऑपरेशन थिएटर का सेकंड ईयर का कोर्स भी आपको 2199, और जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, सिर्फ वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेना चाहते हैं, उनको और कोई सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, वो आप 999 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक और है आपके जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपका इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, यदि कोई है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा में, तो उसका भी अपन ने बैच क्या कर दिया बैच बेटा, लॉन्च कर दिया है। और जो कैथ लैब के अंदर है उनके लिए भी अपन ने बैच लॉन्च कर रखा है। तो आप हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, उसके बाद में जो भी है आप वहां पे देख सकते हैं और आप अपना परचेज कर सकते हैं साहब। ठीक है, सभी को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। डीआरटी का जावेद खान जी, आपको कल भी बताया था फर्स्ट ईयर का नहीं है, आप रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आप ले सकते हैं, वो 999 के ऊपर आपका प्राइस रखा गया है। अब देखते हैं कल जो अपन ने पढ़ाया था, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। हमने ब्लड कल पढ़ा था, जो कल नहीं आए थे या फिर बाद में आ गए हैं कोई बात नहीं है, ब्लड हमने पढ़ा था और हीमेटोलॉजी की दुनिया के अंदर हम घुस चुके थे और उसके अंदर हमने ब्लड की स्टडी करना क्या कर दिया था बेटा, स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर हमने बताया था कि हीमेटोलॉजी क्या होती है और जो ब्लड होता है उसका अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो हमको पता है कि वो कैसा है, फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम क्या कर रहे थे, बड़े ही थे और अपने को क्या देखने को मिला था कि कैसा कैसा कल होता है, क्या कि कैसा कैसा इसका कलर होता है, किसका बेटा, लड़का कैसा कलर होता है, राइट, रेड होता है कि क्या होता है, ये सब सब कुछ हमने देख लिया था। थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेते क्योंकि बीच में कल पॉइंट रह गया था आरबीसी के बाद में, और अमाउंट ऑफ ब्लड हमने देखा था कि टोटल बॉडी के हिसाब से अपन कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने पीएच देखा था, उसके बाद में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे आ गए थे। ठीक है, उसके अंदर हमने ब्लड सेल और प्लाज्मा देखने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपका दिया गया था सब।
मेडिकल सर्जिकल क्लास, मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप बताएं। देखो क्लास स्टार्ट हो गई है। जगदीश जी, निकिता मौर्या, वेरी गुड इवनिंग। आप जो ऐप लिंक दे रखा है और टेलीग्राम जो लिंक है, इन दोनों की सहायता से हमारे जो डेली शेड्यूल है आप लोगों तक मिल सकते हैं साहब, ठीक है। अब जो ब्लड सेल थी वहां पे फॉर्म्ड एलिमेंट अपन ने 3 टाइप से डिवाइड किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा आपके 55% था साहब, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम बढ़े थे तो आरबीसी के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे थे, ज्यादा हम लोगों ने नहीं की थी कि आरबीसी क्या होती है और कैसे वो ऑक्सीजन को हमारे जो पूरा बॉडी होती है उस तक, एक एक टिश्यू तक या फिर बाद में लास्ट वाली सेल तक कैसे लेके जाती है, और सबसे बेहद और इंपॉर्टेंट जो रोल पेश करती है, जो अदा करती है, वो आपकी आरबीसी होती है। जो क्या काम करती है, बार बार मैं कह रहा हूं, आरबीसी है ही है जो ऑक्सीजन को हर एक अंग तक या हर एक टिश्यू सेल तक लेके जाती है, और वहां से वो CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है और बाहर की साइड में देने में मदद करती है साहब, ठीक है। ये जो लास्ट में मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि कैसे हम एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, यदि उसका वेट 70 किलो है, उसके अंदर हम कैसे कैसे उसके अंदर आरबीसी देख सकते हैं, लास्ट के अंदर आपकी ये निकल के आया था 5 × 10^12। और यदि 5 लीटर ब्लड है तो हम 5 से गुणा कर देंगे, यदि 6 लीटर ब्लड है इसकी किसी के अंदर 6 से गुणा कर देंगे, 7 लीटर यदि ब्लड है तो हम क्या कर देंगे उसको 7 से गुणा कर देंगे, और जो हमारा निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आ जाएगा, आपके आरबीसी का जो माहौल है कि कितना हमारे माहौल बना रखा है इसने हमारे अंदर, वो आपके निकल के आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आज हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करने वाले हैं। सब लोग रजाई के अंदर आराम से बैठे रहिए, अपना अपना ईयरफोन लगा लीजिए और क्या करते रहिए बेटा, उसको सुनते रहिए आराम से, अपने को कहीं पे देखना नहीं है, अपने को कुछ नहीं करना है। और यदि आपको लगता है थोड़ी सी आप मेहनत करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप रजाई से थोड़ा बाहर निकलिए, अपनी एक कौन और सॉरी पेन और कॉपी लीजिए, और आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट एक्स्ट्रा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो लिखने की कोशिश कीजिए, ये मेरा दावा है कि आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो थ्योरी के हिसाब से या फिर बाद में कंपटीशन के हिसाब से, यदि आप एम्स तक का लेवल भी देख के चलते हैं कि मेरा एम्स में सिलेक्शन हो जाना चाहिए इन फ्यूचर के अंदर, या फिर बाद में मैं कि आरपीएम से टॉपर कर जाना चाहिए साहब, तो आप ये क्लास लेते रहो। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, देखो आपसे आता होगा ब्लड में, ऐसे नहीं कर रहा, पर मैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद में आप करें क्या करेंगे बेटा, उसको रिवाइज करते रहना, और इतना सिंपल समझाने की मैं कोशिश करूंगा, आप क्लास के एंड में कहेंगे कि सर मेरे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आज बिना देरी किए आज का जो टॉपिक है मेरा डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। देखो हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, ब्लड सेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा वाला जो वो है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अब देखिए बेटा, जो डब्ल्यूबीसी होती है, तो डब्ल्यूबीसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सभी बच्चे लोग जानते हैं कि इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स हम इसको बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू भी मैंने कल बता दी थी, 4 से 11 हजार पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती है साहब, मैंने बता दिया था आपको। इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि आपके क्या आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है या फिर बाद में नहीं होता है। आप कहोगे कि साहब इन्फेक्शन तो होता है, अब वो कैसे होता है, यदि आप पानी पी रहे हैं कभी भी, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस है कि नहीं है, तो आपने पानी पिया वो कंटेमिनेटेड है कि नहीं है। अब नॉर्मल भी पानी पियोगे तो आपको पता नहीं है, उसके थ्रू भी आपके इन्फेक्शन हो सकता है। आप कुछ भी खाने पीने की चीजें खा रहे हैं, क्या उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है, क्या आपके अंदर पहले से ही जैसे इंटेस्टाइन हो गया, क्या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। हाँ जी, ये सब कुछ है मेरी बॉडी के अंदर, फिर भी मेरी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरा मेन चीज किस पे इन्फेक्शन है, वो हमारी बॉडी में ये सब चीजें हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है साहब, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर बेटा क्या है, WBC प्रेजेंट है। मेरी बॉडी के अंदर क्या है, WBC प्रेजेंट है, और ये जो WBC होती है वो क्या काम करती है, कोई भी जो रोग होता है, ठीक है, तो रोगों से क्या करती है बेटा, ये लड़ाई का काम करती है।
क्या करती है ये, लोगों से कोई भी हमारी डिजीज हो रही है, कोई भी कंटामिनेटेड चीज मैंने खा ली है, उनसे बचने को या फिर बाद में उनसे लड़ने को हमेशा कौन तैयार रहता है हमारी बॉडी के अंदर? WBC तैयार रहता है। जैसे हमारे देश में 125 करोड़ देशवासी रहते हैं, वो हम आराम से रह रहे हैं। किसकी बदौलत रह रहे हैं बेटा? आर्मी की वजह से। आर्मी की वजह से क्या कर रहे हैं हम? आराम से रह पा रहे हैं। तो ये हमारे बॉडी की आर्मी, हमारे बॉडी की आर्मी, या मैं कहूँ हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं या फिर बाद में सैनिक हैं, वो कौन है साहब? वो आरबी WBC है साहब। कौन है बेटा? वो WBC। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी बार एम्स के अंदर पूछी जा चुकी है कि सोल्डर्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसके सैनिक कौन कहलाता है? तो आपको राइट आंसर क्या करके आना है, WBC जो होती है वो हमारे जो बॉडी का सोल्जर्स कहलाते हैं साहब। इसके अलावा एक जो पॉइंट है कि ये डिजीज को रेजिस्टेंस करती है, ये मैंने बताया कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है या फिर बाद में रोगों से लड़ाई का काम करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंस का ये काम करती है। अब एक हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है बेटा, जिसके अंदर WBC की संख्या है वो क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है। जो हमारे बॉडी के अंदर है वो WBC की संख्या क्या होने लग गई? डिक्रीज होने लग गई। वो एक बीमारी आपने सुना होगा, HIV होती है। वो क्या होता है? HIV होता है। HIV के अंदर हम कुछ भी कंटामिनेटेड चीज, इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज हमारे अंदर चली गई या हमें किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो गया, तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है। वहां पे क्या होता है कि ये HIV क्या करता है, एक तो WBC की संख्या पहले से कम हो गई है तो उनको कम भी कर देता है, हमारी WBC पे आक्रमण कर लेता है। मतलब ये पहले जैसे हम भारत के लोग पहले गुलाम थे, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य था यहाँ पे, तो हम गुलाम थे, तो वैसे ही एक WBC HIV की गुलाम हो जाती है। वो क्या हो जाती है? गुलाम हो जाती है। HIV राजा बन जाता है, जैसा HIV चाहेगा वायरस वैसा वो WBC करती है। ठीक है, तो यहाँ पे HIV के अंदर आपके WBC या फिर बाद में मैं कहूँ इम्यूनिटी जो पावर है या रोगों से जो लड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है साहब। तो इतना सा आपके पोर्शन क्या था? WBC का था साहब। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे क्या बात आती है बेटा? अगले पॉइंट पे मैं चलूं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके आता है बेटा, प्लेटलेट्स का आता है। किसका आता है बेटा? प्लेटलेट्स का आता है। अब प्लेटलेट्स का आने से पहले मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इनको क्या भी बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनको क्या भी बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी अपन बोलते हैं। और मैं इनके नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो ये कितनी होती है? 1.5 लाख से 4 लाख तक हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है पर क्यूबिक MM ऑफ ब्लड में। ठीक है, पर क्यूबिक MM ऑफ ब्लड में। यदि किसी को पर क्यूबिक ऑफ ब्लड या ML का आपको MM का पता नहीं है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि पर क्यूबिक MM ऑफ ब्लड क्या होता है साहब। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर की क्लासेस कब चलाओगे ऐप पर? बेटा अभी ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा कोर्स, आप देख लीजिए, वहां पे चल रही है। प्रियंका वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पायल ब्लॉक्स वेरी गुड इवनिंग। कृष्ण खांडेकर वेरी गुड इवनिंग। हिमांशु मेहता वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी गुड इवनिंग बेटा। क्लास पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और थोड़ी सी क्लास को क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ाते हैं साहब। देखो इंपॉर्टेंट चीज आपके, अब प्लेटलेट्स जैसे ही आपके माइंड में आती है तो आपके हमेशा ये होता है कि ये क्लोट का काम करती है। मतलब जैसे ही ब्लड निकला तो उसको क्या कर देती है? ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। देखो दो चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोगों ने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा पर इस तरीके से आपने नहीं समझा होगा बेटा। एक तो आप चाकू यूज करके वहां पे कट लग गया आपके, एक कंडीशन तो कैसी है? चाकू से आपके कट लग गया है। एक कंडीशन कैसी है कि आपने ब्लड सैंपल लिया सिंपल वायल के अंदर। किसमें लिया? ब्लड सैंपल आपने सिंपल वायल के अंदर लिया और थोड़ी देर में वो जो ब्लड है वो क्या हो गया? जम गया।
ब्लड क्या हो गया वहां पे, जम गया। दोनों कंडीशन अलग अलग है। पहले के अंदर आपके क्या लगा बेटा, कट लग गया, उंगली के अंदर क्या लग गया, कट लग गया। थोड़ी देर हमने क्या किया, उसको प्रेस करके रखा, दबा के रखा, 5-7 मिनट। हमने जैसे ही दबा के रखा, हमने हाथ हटा के देगा तो धीरे धीरे ब्लीडिंग कम हो रही है या फिर बाद में रुक जाती है, तो एक चीज हो गई, कंडीशन हो गई। एक है कि प्लेन वाइल हमने ली है, प्लेन वाइल के अंदर ब्लड डाला, थोड़ी देर के बाद में वो क्या हो जाएगा बेटा, जम जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, और दोनों ही चीजें यहाँ पे अलग अलग है। ये दोनों चीजें आपको मैं समझाऊं, उससे पहले मैं थोड़ी सी एक अलग बात कर लेता हूं। ये दोनों चीजें आपके क्या हो जाएगी बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगी साहब, अपने आप समझ में आ जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना करें साहब। अब ऐसी कंडीशन में आपको बता रहा था कि ये मेरी ब्लड वेसल्स है, ठीक है बेटा, ये मेरी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये मेरी क्या है, ब्लड वेसल्स है। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ की है, मेरे हैंड की है, ठीक है, ये मेरा पूरा हाथ है, और इसके अंदर एक कोई भी ब्लड वेसल्स है, मैंने वो ले ली है। अब आपके क्या लग गया बेटा, कट लग गया। आपके क्या लग गया, ये लो जी चाकू से ये आपके कट लग गया। इसके अंदर क्या बह रहा था बेटा, इसके अंदर आपके क्या बह रहा था, हाथ में ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा था, ब्लड बह रहा था, ठीक है। आराम से समझने की कोशिश करना, एक ऐसी रील के माध्यम से मैं इस चीज को, इतनी कठिन चीज है कि मैं आपको समझा जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप कहोगे कि सर हमारी तो आज तक समझ में नहीं आई, ये कैसे आ गई। एक ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर क्या लग गया बेटा, कट लग गया। नितेश दीपू क्लिनिकल कार्डियोपैथो, एक बार बेटा नितेश थोड़ा सा ध्यान दो क्लास पे, है ना, इंपोर्टेंट चीज है, बातों ही बातों में समझ जाओगे, कमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे। अब ये यदि ब्लड है तो इसके अंदर क्या प्लेटलेट्स भी मौजूद रहेगी, हाँ साहब प्लेटलेट्स भी रहेगी, ठीक है। अब जैसे ही कट लगा आपके, तो क्या ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, थोड़ी देर के बाद में क्या होती है, ब्लीडिंग रुकती है। ब्लीडिंग क्या होती है बेटा, रुकती है। अब जो ये ब्लीडिंग यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे टिश्यू भी है आपके, यहाँ पे क्या भी है बेटा, टिश्यू भी है। अरे टिश्यू में होगी तभी तो आपके कट लगेगा। तो टिश्यू के अंदर आपके एक चीज पाई जाती है, मास्ट सेल। क्या पाई जाती है बेटा, मास्ट सेल पाई जाती है। अब जो ये मास्ट सेल होती है टिश्यू के अंदर जो पाई जाती है, वो एक तरीके का आपके क्या स्रावित करती है, सीरोटोनिन स्रावित करती है। क्या करती है, सेरोटोनिन नाम का एक पदार्थ होता है, वो स्रावित करती है। और प्लेटलेट के पास भी एक ऐसी चीज होती है, उसका नाम भी सेरोटोनिन है, जो भी वो क्या करती है, उसके पास हमेशा मौजूद रहता है। अब ये दोनों जब भी हमारे कोई कट लगता है, तब क्या करती है, ये रिलीज करने लग जाती है। तब ये क्या करने लग जाती है बेटा, रिलीज करने लग जाती है। जैसे ही ये रिलीज करने लगती है, तो वहां पे जहां पे हमारे कट लगा है, वहां पे क्या चीज होने लग जाती है बेटा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। वहां पे क्या होने लग जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। अब इस चीज को मैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो आपके कट लगा है, तो वहां पे मानो कि ये आपके इतनी बड़ी क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, है ना, तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या होने लग जाएगी, सक्रिय होने लग जाएगी। ब्लड वेसल्स क्या होने लग जाएगी, सक्रिय होने लग जाएगी। मतलब कि आपके इतना बड़ा कट लगा था, तो अंदर वो ब्लड वेसल्स है, वो थोड़ी क्या होने लग जाएगी, सक्रिय होने लग जाएगी। अरे जो सक्रिय हो रही है, उसी का मतलब तो क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। मतलब उसी का मतलब क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। और जो ये डायमीटर कम कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, वो कौन करवा रहा है, आपके सेरोटोनिन करवा रहा है, जो कहां पे है, आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी है और मास्ट सेल के अंदर भी है। इन दोनों का काम है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, कहीं पे भी अपने ब्लीडिंग होने लग गई है, तो मतलब वहां पे डायमीटर उसका कम होने लग जाएगा साहब, ठीक है। सेकंड मैं बात करूं, जैसे ही आपके कहीं पे लगती है, तो आपके जो ये प्लेटलेट्स होती है, ठीक है, जो क्या होती है, आपके जो प्लेटलेट्स होती है, उनकी एक खासियत होती है बेटा, ये हमेशा ब्लड के साथ में भागती रहती है। क्या करती रहती है, ब्लड के साथ में भागती रहती है। मतलब इसको यदि कहीं पे भी खुरदरी सतह नजर आएगी, मतलब रफ सरफेस नजर आएगा, है ना, क्या होगा, रफ सरफेस नजर आएगा या खुरदरी सतह नजर आएगी, तो ये वहां पे जाके क्या होने लग जाती है, चिपकने लग जाती है बेटा। वहां पे जाके क्या करने लग जाती है, चिपकने लग जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर यदि नॉर्मल ब्लड सेल है,
और इसके अंदर स्मूथ सरफेस रहेगी चारों तरफ, यहाँ पे मतलब कोई भी कट नहीं लगा हुआ है, तो ये प्लेटलेट्स आराम से ब्लड के साथ में बहती रहेगी। पर जैसे ही आपके कहीं पे भी कट लग गया, इसको महसूस हो गया, अरे भाई यहाँ तो क्या लगा है, कट लगा है, मतलब ये सरफेस है ये क्या हो चुकी है, खुरदरी हो चुकी है। अब प्लेटलेट्स कहेगी कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, यदि आपके कहीं पे भी ब्लड वेसल्स के अंदर घाव हो गया है तो उसको जिम्मेदारी तो मेरी है, इसको तो मैं ही भरूंगी साहब। तो वहां पे प्लेटलेट्स जब जब भी आपको कहीं पे भी कट लगता है तो वहां पे जाके वो क्या करने लग जाती है, चिपकने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन को जब वो चिपक जाएगी तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, प्लग फॉर्मेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? प्लग फॉर्मेशन बोलता हूँ मैं साहब। क्या बोलता हूँ बेटा? प्लग फॉर्मेशन मैं बोलता हूँ साहब। ठीक है, दो चीज हो गई। एक और चीज की मैं बात करता हूं कि जब जब प्लेटलेट्स के अंदर बेटा क्लोटिंग फैक्टर भी पाए जाते हैं, कम से कम 13 क्लोटिंग फैक्टर आपके पाए जाते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लो। पर जब हम प्लेटलेट्स आराम से डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर मैं और डिटेल से बताऊंगा साहब। अब क्लोटिंग फैक्टर ये क्या करते हैं, एक्टिव होने लग जाते हैं। क्लोटिंग जो फैक्टर है वो क्या होने लग जाते हैं, क्लोटिंग जो फैक्टर है वो एक्टिव होने लग जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं आपके, उनमें से भी कौन वो होता है एक्टिव होता है, तो इसके अंदर आपके एक फिब्रिनोजन नाम का क्लोटिंग फैक्टर होता है, वो क्या होने लग जाता है, एक्टिव होने लग जाता है। और वो क्या बना लेता है, फिब्रीन बना लेता है। क्या बनाने लग जाता है, फिब्रीन बनाने लग जाता है। और फिब्रीन का मतलब है कि वो एक तरीके का जाल बनाने लग जाता है। क्या बनाने लग जाता है, वो एक तरीके का जाल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है। और ये नेटवर्क क्या करता है, वो जो खुरदरी आपकी सतह है वहां पे जाकर क्या करने लग जाता है, चिपकने लग जाता है। वहां पे जाके क्या करने लग जाता है, चिपकने लग जाता है। अरे जब ये खुरदरी सतह पर जाके चिपक जाएगा तो उस चीज को क्या होने लग जाएगा, वहां पे ब्लीडिंग रुकने लग जाएगी। मतलब वहां पे क्या होने लग गया, कोएगुलेशन होने लग गया। वहां पे क्या होने लग जाएगा, कोएगुलेशन होने लग जाता है। तो बेटा बातों ही बातों में आप क्या सीख गए, कोगुलेशन भी बोल सकते हैं, या फिर बाद में, दिख रहा है ना आपको, हाँ इधर थोड़ा साइड में लिख दूं मैं, या फिर बाद में इसको क्या भी बोलते हैं, हम क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से चुन लेना, आपके तीन चीज यहाँ पे निकल के आ गई है। और वो जो तीन चीज आपके निकल के आई है वो क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। एक स्टेप तो ये होती है, दूसरी स्टेप ये होती है, और तीसरी स्टेप ये होती है। इन तीन स्टेप की मदद से ही जब आपके कहीं पे भी क्या लगा है बेटा, कट लगा है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में कट लगा है, तो वहां पे आपकी ब्लीडिंग रुकती है। ये तीन स्टेप है, उनकी मदद से आपके क्या होती है, कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है पूरे शरीर में, तो ये तीन क्रियाएं आपके होने लग जाती है, और इन तीन क्रियाओं के माध्यम से वो ब्लीडिंग आपके रुक जाती है साहब। तो इसे हम क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हीमोस्टेसिस कहते हैं। हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमो का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड होता है। हीमो का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड होता है। हीमो का मतलब क्या है बेटा, ब्लड है। हीमो का मतलब आपके ब्लड है। और स्टेसिस का मतलब क्या होता है, आपके स्टॉप होता है। क्या होता है, स्टॉप, मतलब जहां पे ब्लड स्टॉप होने लग जाता है। तो बेटा बातों ही बातों में सीख गए कि हीमोस्टेसिस की क्रिया के अंदर आपके तीन क्रियाएं शामिल होती है, तीन स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप है सो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, सेकंड प्लग फॉर्मेशन होती है, थर्ड कोगुलेशन होती है। एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट करना चाहूंगा, विकास शर्मा, अभि शर्मा, सभी को वेरी गुड इवनिंग, अंकिता चौधरी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है, डायमीटर छोटा होने लग जाता है ब्लड वेसल्स का। प्लग फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो खुरदरी सतह होती है वहां पर प्लेटलेट आके चिपकने लग जाती है, और जैसे ही चिपकती है वहां पे क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, जो हमारे 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने लग जाती है। उनमें भी किसको, फिब्रिनोजन होता है, उसको एक्टिवेट करके फिब्रीन में बदलने लग जाती है। और फिब्रीन क्या करता है, वहां पे जाल बनाने लग जाता है। वहां पे किस क्या बनाने लग जाता है, जाल बनाने लग जाता है। और ये जो जाल बनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, या फिर बाद में कोगुलेशन कहते हैं। ये तीनों ही किसका पार्ट है, आपके हीमोस्टेसिस का पार्ट है। बहुत ही आसान शब्दों में इसको इस चीज को समझाने की कोशिश की है, जो आपके पूरा काम कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है साहब। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ मेरे को। प्रियंका चौधरी रिपीट, बेटा मैंने रिपीट कर दिया है। गजानंद शर्मा वेरी गुड इवनिंग, मैंने रिपीट कर दिया है। जगदीश शर्मा वी गॉट इजिली इट, थैंक यू सर।
मोस्ट वेलकम बेटा। देखो बातों ही बातों में हमने जो एक पूरी प्रोसेस होती है कि ब्लड कट लगने के बाद में कैसे रुकता है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने क्लासेस ली होंगी, बट मैंने देखो तीनों स्टेप आसानी से समझाने की कोशिश की है और ये भी बता दिया कि ये क्यों होता है, इनके पीछे का मैंने रीजन भी देने की कोशिश की है और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको समझाया है। एक बार फिर से कुलदीप जी मैं वापस बता देता हूँ, विकास जी के भी समझ में आ गया है। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी कट लगता है, कट लगने के बाद में हम वहां पे सेरोटोनिन जो एक चीज होती है वो क्या होने लग जाती है बेटा, रिलीज होने लग जाती है। वो रिलीज होगी तो वहां पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो ब्लड वेसल्स इतनी मोटी है तो छोटी होने लग जाएगी, ठीक है। फिर प्लग फॉर्मेशन होगा। प्लग फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं या फिर बाद में सॉरी जो प्लेटलेट्स खुरदरी सतह पे चिप चिप जाके चिपकने लग जाती है, और जैसे ही चिपकेगी वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने लग जाएंगे। जैसे ही एक्टिवेट होने लगेंगे वहां पे ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। पर जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, आप एक बार उसको रिवाइज तो आपको करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आज प्राइवेट कर दी जाएगी क्लास, वापस से आपको नहीं मिलेगा मौका। पर मैंने इसको समझा दिया है, मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो चुका है सब। थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार वापस से मेरे को बता दो यदि रिपीट वगैरह करना है, कुछ ऐसी चीज है तो मैं वो आपके। यहाँ पे जगदीश जी बोल रहे हैं, अंकिता चौधरी एक बार फिर से मैंने बता दिया है, एक बार मैंने बता दिया है। और जगदीश जी बोल रहे हैं कि इट्स सो मच इजी वे टू लर्न, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में चीज को बताई है, तो ये बोल रहे हैं कि उनके समझ में आ चुकी है साहब। फिर भी यदि नहीं आती है तो मेरे को बता देना, मैं वापस से बताने की कोशिश यहाँ पे बेटा जरूर करूंगा साहब। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो हमने कंपोजिशन जो हमने बांटा था, ठीक है, दो तरीके से बांटा था। एक तो आपके ब्लड वेसल्स ब्लड सेल का था, इसके अंदर आरबीसी आ गई थी, आपके डब्ल्यूबीसी आ गई थी और प्लेटलेट्स आ चुकी है। ये आपके मैंने थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर दिया है, एकदम जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप में नहीं किया, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने कंप्लीट कर दिया है, एक इंट्रोडक्शन टाइप में। आपके माइंड में एक थीम बन गई होगी कि क्या होती है आरबीसी, क्या होती है डब्ल्यूबीसी और क्या होती है प्लेटलेट, तीनों के जो मेन काम है वो मैंने अभी बता दिए हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, एक पार्ट क्या था आपके प्लाज्मा था, क्या था बेटा, एक पार्ट पार्ट आपके था प्लाज्मा। तो इसी प्लाज्मा की मैं बात करता हूं और आगे बढ़ने की मैं कोशिश करता हूं साहब, ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। समझ आ गया जावेद खान जी, अभी कुलदीप जी, बहुत बढ़िया है, आपके समझ में आ गया। तो एक बार क्या करेंगे बेटा, क्लास को यदि आपने लाइक नहीं किया, इतनी सी उम्मीद है कि लाइक भी कर दीजिए उसको, और शेयर नहीं किया है अपने अपने स्टेटस पे पुट कर दीजिए कि सभी लोग इसका फायदा उठा उठा सके। और एक मेरे को भी सेल्फ मोटिवेशन मिलती है जब बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे होते हैं, तो मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक होने पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और जो कई चीजें मेरे माइंड में आ भी जाती है, एनर्जेटिक जब आदमी रहता है तो कई चीजें एक्स्ट्रा भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, प्लाज्मा पे चलते हैं। प्लाज्मा क्या था बेटा, प्लाज्मा देखो, कल मैंने आपको ये एक डायग्राम बताया था, है ना, और ये डायग्राम बताया था उसके अंदर ये देखिए आपके प्लाज्मा क्या था, जो आपके नीचे बैठा हुआ जो पार्ट है ना, जो ये आपके क्या हो रहा है बेटा, नीचे की साइड में जो पार्ट बैठा हुआ है वो आपके क्या था, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपके ब्लड सेल्स थी, क्या थी, ब्लड सेल्स। ये कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो ये ऊपर आपको जो पेल येल्लो कलर में दिख रहा है ना, पीला पीला सा कलर में दिख रहा है, जो पानी पानी सा ऊपर वाइल के अंदर रह जाता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। उसी चीज को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या चीजें पाई जाती है, पानी के अंदर भी क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो बेटा इसके अंदर कई चीजें पाई जाती है, उसमें से एक चीज है जो बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो पानी ही होता है। वो कम से कम इसके अंदर 91 से 92% पानी पाया जाता है साहब। और एक होता है इसके अंदर सॉलिड भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बेटा, सॉलिड भी पाए जाते हैं, और ये जो सॉलिड होते हैं वो 8 से 9% होते हैं इन प्लाज्मा के अंदर।
अब सॉलिड आपके देखो पानी पाया जाएगा, तो पानी के अंदर तो और कुछ नहीं है, पानी पानी है बस। पर जो सॉलिड मटेरियल होता है आपके, उसके अंदर भी दो चीजें आपके पाई जाती है, दो चीजें भी आपके पाई जाती है। और जो दो चीजें आपके पाई जाती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या, उन कौन से होते हैं? एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर देखो क्या क्या पाए जाते हैं आपके, एक तो Na पाया जाता है, एक K पाया जाता है, एक Cl पाया जाता है, और आपके बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाइकार्बोनेट आपके पाए जाते हैं, ठीक है। बट जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? इनके अंदर आपके पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है, फैट लिपिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट लिपिड पाया जाता है, विटामिन्स पाए जाते हैं आपके। क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स आपके पाए जाते हैं, आपके पाए जाते हैं इसके अंदर, हॉर्मोन्स भी अंदर पाए जाते हैं आपके। इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज भी आपके पाई जाती है, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो सब चीजें मैंने आपके सामने लिखी है वो कहाँ पे पाई जाती है बेटा? आपका जो ब्लड है उसके अंदर ये सब चीजें क्या करी जाती है? पाई जाती है साहब। कौन कौन सी है? आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर ये चीजें पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं उसके अंदर पाई जाती है। ऑर्गेनिक के शायद मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑर्गेनिक आखिरकार क्या होता है, और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। कहाँ चलते हैं बेटा? थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे चलने के लिए अगली स्लाइड लेते हैं, बढ़िया सी। देखिए, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पाया गया था कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाया गया था बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स पाया गया था, है ना। एक एक की बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, और बिल्कुल घबराइए नहीं। यदि आप मेडिकल फील्ड से हो और मेरे साथ मेडिकल फील्ड में स्पेशली जुड़ गए हो, तो मैं आपको नॉर्मल चीज भी बताने की कोशिश करूंगा और एबनॉर्मल चीज भी बताने की कोशिश करूंगा। एबनॉर्मल चीज के अंदर वो चीजें आती है जो नॉर्मल बॉडी रहती है, उसके अलावा उसमें अधिकता से कमी से या फिर बाद में कोई भी किसी भी टाइप से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, तो वो सब चीजें भी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके चलूंगा। साथ में साथ बनाए रखिए साहब, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा, या फिर बाद में मैं कहूं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में किस रूप में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज के फॉर्म में ये पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है बेटा? ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है साहब, ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंसान की या मेरी बॉडी या आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का मोस्ट कॉमन फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है साहब, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है वो हमारा एक तरीके से ब्लड शुगर है। क्या है ये? एक तरीके से क्या है? ब्लड शुगर है साहब, ठीक है। अभी जैसे ही ब्लड शुगर का नाम आता है तो आपके माइंड में एक चीज आता एक एक चीज आती है कि सर शुगर की बीमारी। किसकी बीमारी आती है? शुगर की बीमारी। बेफिक्र रहिए, उसकी भी मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है बेटा? ज्यादा हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज का ज्यादा होने लग जाता है ब्लड के अंदर, तो एक बीमारी आपके उत्पन्न हो जाती है या प्रोड्यूस हो जाती है, वो होती है डायबिटिक मेलाइटस। क्या होता है बेटा? डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है, DM जिसको अपन बोलते हैं, डायबिटिस मेलाइटस। अब जैसे ही ये चीज हो गई तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी बीमार पर्सन है जिसके ब्लड शुगर हो रखी है, तो उसके तीन तरीके से हम ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो F तरीके से करते हैं,
एक पीपी तरीके से करते हैं और एक आर तरीके से करते हैं। एफ का मतलब है फास्टिंग, एफ का मतलब क्या है बेटा, फास्टिंग तरीके से करते हैं। पीपी का मतलब क्या है, पोस्ट पेंडेंट, क्या है पोस्ट पेंडेंट। और आर का मतलब क्या है बेटा, रैंडम है। आर का मतलब क्या है बेटा, रैंडम है। वापस से मैं ये चीज बता रहा हूं कि ग्लूकोज मोस्ट कॉमन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने लग जाता है तो एक डीएम या फिर बाद में ब्लड शुगर नाम की एक बीमारी हो जाती है या शुगर की बीमारी हो जाती है। उसको चेक करने के लिए अपने पास तीन तरीके मौजूद हैं। कितने तरीके मौजूद हैं, तीन तरीके मौजूद है। एक तो फास्टिंग वाला है जो कब करते हैं, हम भूखे पेट करते हैं। क्या कब करते हैं बेटा, भूखे पेट हम करते हैं। एक पोस्ट पेंडेंट होता है, इसका यह मतलब होता है कि खाना किसी इंसान ने खा लिया है। क्या कर लिया है, खाना किसी इंसान ने खा लिया है और 2 से 4 घंटे बाद में, खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद में यदि हम किसी का ब्लड शुगर चेक करेंगे तो वो पीपी कहलाता है। रैंडम का मतलब है कि उसको खाना खाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मतलब वो ना तो भूखे पेट है ना वो खाना खाए हुए है, तो वो रैंडम सैंपलिंग होती है हमारी। किसकी, रैंडम सैंपलिंग होती है। ये तीनों चीजें या फिर बाद में ब्लड शुगर यदि हम देख रहे हैं किसी भी पेशेंट के अंदर, तो क्या कलेक्ट करेंगे हम, उसका ब्लड ही कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या कलेक्ट करते हैं हम, उसकी ब्लड की ही जांच करते हैं। ब्लड के माध्यम से ही हम उसके ब्लड शुगर का या उसके ग्लूकोज लेवल का हम पता लगा सकते हैं। और तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, पर एक तरीका आपने शायद सुना है या फिर बाद में नहीं सुना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, और उस तरीके को हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकेटेड एचबी। क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड एचबी। अब जो ये ग्लाइकेटेड एचबी होता है, कोई इसके बारे में जानता है तो मेरे को एक बार बताएं, या नहीं जानते तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सुमन हेमंत गजानंद, वेरी गुड इवनिंग बेटा। ग्लाइकेटेड एचबी क्या होता है, व्हाट इज ग्लाइकेटेड एचबी, जो जानता है एक बार जल्दी से कमेंट करें, गूगल पे ना जाए बेटा, है ना। आता है तो कमेंट कर दे, नहीं आता है तो आप चुपचाप रहें, क्योंकि मैं यहां पे आपको वो चीज बताऊंगा ही बताऊंगा। जल्दी से बताइए ग्लाइकेटेड एचबी क्या होता है साहब। जल्दी से बताइए, ग्लाइकेटेड एचबी आपके क्या होता है, नहीं पता आपको ग्लाइकेटेड एचबी, अरे नहीं भी लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है नहीं भी लिखने का। नहीं पता, देखो एक दो बच्चे चले गए हैं और वापस से जुड़ गए हैं, इसका मतलब है उन्होंने क्या किया बेटा, गूगल किया है ना। कोई बात नहीं, अब देखो ग्लाइकेटेड एचबी क्या होता है। यदि आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो आपको ये चीजें आएगी आएगी और बाकी लोगों को नहीं आएगी। आज के बाद में आप यदि ध्यान रखोगे, अब देखो आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास में जाने के बाद में आपने खाना खा रखा था, आप भूखे पेट भी नहीं थे, तो डॉक्टर के पास जाके आप सीधा सा एक नॉर्मल चेकअप कराने गए थे कि मैं फिट हूं कि नहीं हूं। जैसे ही डॉक्टर ने आपके रैंडम सैंपलिंग के लिए बोला, ब्लड शुगर आपका चेक किया गया, जैसे ही आपका ब्लड शुगर चेक किया गया आपका ब्लड शुगर बढ़ा आ गया। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ा आ गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो ब्लड शुगर के पेशेंट हो। आपने कहा यार तो हो ही नहीं सकता, मैं तो एकदम फिट हूं। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपके ग्लाइकेटेड एचबी चेक करेगा। कौन सी जांच लिखेगा, ग्लाइकेटेड एचबी की। इस जांच के अंदर क्या होता है, इस जांच के अंदर आपका ब्लड लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा, ब्लड लिया जाता है, और उसकी जांच की जाती है। कितनी, 3 मंथ तक अपन जांच कर सकते हैं ग्लाइकेटेड एचबी के द्वारा, या 90 दिन तक हम जांच कर सकते हैं कि आपका पहले जो ब्लड शुगर लेवल था या ग्लूकोज जो लेवल था वो पहले बढ़ा था या फिर बाद में घटा हुआ था, आपका लेवल कैसा था, ये हम ग्लाइकेटेड एचबी के द्वारा पिछले 90 दिनों के अंदर कंट्रोल में था या नहीं था वो जांच हम कर सकते हैं। किसके थ्रू, ग्लाइकेटेड एचबी के थ्रू। ये जांच होती है ब्लड शुगर की, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज का लेवल पिछले 90 दिनों तक या 3 महीने तक मैं बोल सकता हूँ वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं
कि पहले भी बढ़ा था या फिर बाद में नहीं बढ़ा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये जांच रहने वाली है, और शायद आपने सुना था या नहीं सुना था, पर आज आप एकदम याद कर लेना कि इन तीन के अलावा भी, फास्टिंग के अलावा भी आपने सुन लिया होगा, पीपी के पोस्ट पेंडेंट भी आपने सुन लिया होगा, रैंडम सैम्पलिंग भी सुन लिया होगा, पर आपने नहीं सुना था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लाइकेटेड एचबी, जिसके द्वारा हम 90 दिनों तक होने वाले हमारे ब्लड शुगर के लेवल में या ग्लूकोज का जो लेवल है, हमारे ब्लड के अंदर उतार चढ़ाव जो भी आ रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्लाइकेटेड एचबी के द्वारा साहब। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी कुलदीप गुल 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 करके आ गए। चलो चलो कोई बात नहीं है, हमने बता दिया है, गूगल करो चाहे कुछ भी करो, हमने भी यहाँ पे बता दिया है। आगे हम बात करते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैट और लिपिड की। किसकी बात करते हैं? फैट और लिपिड की। अब देखो जब हम सीबीएस पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा और अभी भी ये काम आएगा। देखिए यहाँ पे फैट और लिपिड जो हमारी जो कोई भी पर्सन होता है उसमें सबसे पहले फैट और लिपिड की हम बात करते हैं, तो किस किस फॉर्म के अंदर फैट और लिपिड पाए जाता है? तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में पाए जाते हैं, टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल उसमें पाए जाते हैं, या फिर बाद में एलडीएल के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर बाद में एचडीएल की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मतलब होता है लो डेंसिटी लिपिड। क्या होता है? लो डेंसिटी लिपिड। इसका होता है हाई डेंसिटी लिपिड। ठीक है, अब ये सब चीजें आपकी फैट या लिपिड की सब चीजें हैं वो आपकी बॉडी में इस प्रकार से पाई जाती है। आपकी बॉडी में फैट और लिपिड है वो ट्राइग्लिसराइड में भी पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी पाए जाते हैं, एलडीएल में भी पाए जाते हैं और एचडीएल में भी पाए जाते हैं। ये सब जांचें आपके जब डॉक्टर लिखता है तो लिखता है लिपिड प्रोफाइल। आपने कई पर्चियों में देखा होगा लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लीजिए, क्या देखा होगा कि लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल का बेटा जब टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी चेक करते हैं, एलडीएल भी चेक करते हैं और एचडीएल भी चेक करते हैं। तो कई पर्चियों में आपने देखा होगा लिपिड प्रोफाइल का, और उसके अंदर ये जांचें हो रही है, तब भी हम किसका सैंपल लेते हैं बेटा? ब्लड का सैंपल लेते हैं। ब्लड के थ्रू हम कोई भी फैट या लिपिड के बारे में हम जान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा हुआ, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है कम है, ये सब कुछ हम ब्लड के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, और ये आपके लिपिड प्रोफाइल कहलाता है। जब हम जो भी जांच करेंगे वहां पे कौन सी रहेगी, आपके लिपिड प्रोफाइल रहेगी। तो जब भी कोई आपका जानकार रिलेटिव या घर वाला उसकी पर्ची में लिखा हुआ हो लिपिड प्रोफाइल, तो आपके तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी हम जांचें करने वाले हैं। तो जांचें जो होती है वो ट्राइग्लिसराइड, टोटल एलडीएल और एचडीएल रहता है साहब। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई आपके, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक चीज और समझने की है, जिनकी एडवांस एज हो जाती है, मतलब 50 प्लस से ऊपर एज हो जाती है, या जिसे हम एडवांस एज जो हम बोलते हैं, उसके अंदर जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो हमेशा क्या चांसेस होते हैं कि बढ़ा हुआ है, मतलब कि उनको जो हार्ट अटैक की समस्या है, ठीक है, हार्ट अटैक की समस्या है, एमआई की समस्या या स्ट्रोक की समस्या है वो आपके उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये चीजें यदि आपकी बढ़ी हुई आ गई है बेटा, तो आपके कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उससे रिलेटेड बीमारियां होने के आपके चांसेस होते हैं साहब। कृष्ण खांडेकर सर, समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहना, रेगुलर चेकअप करवाना होता है। हिस्ट्री सर, एक सिंपल हिस्ट्री आती है क्या? हाँ, एकदम सिंपल हिस्ट्री आती है, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपका सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, कोई भी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। खांडेकर जी, हम पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही, आप हमेशा पढ़ते रहिए, जब जब भी अपने को मौका मिलेगा पढ़ाने का हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, बस यही है कि हमारी जो क्लास है वो सिर्फ लाइव रहेगी, मेरी क्लास आज के बाद में या फिर बाद में आज से ही, ये कभी भी आपको वापस देखने को नहीं मिलेगी साहब। ठीक है, और बेटा शेयर आप लोग जरूर करिए,
क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मेरे को खुद को भी सेल्फ एक मोटिवेशन मिलती है, वो कैसे मिलेगी साहब। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है आपके विटामिन्स। नेक्स्ट क्या आता है आपके विटामिन्स आता है बेटा। जितने भी आपके बॉडी के अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं, इनकी कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, तो ये सब चीजें हम भी किसके थ्रू जांच कर सकते हैं, ब्लड के थ्रू जांच कर सकते हैं कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, सी है, डी है, ई है, के है ना, ये सभी विटामिन की यदि आपकी कमी हो रही है या अधिकता हो रही है या फिर बाद में एकदम लेवल सही है, तो ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, ब्लड के अंदर ही देख सकते हैं। ब्लड का सैंपल करके विटामिन की हम जांच कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक चीज होती है कि हॉर्मोन्स, किसकी हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कौन बनाते हैं आपके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है साहब। क्या बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है, और ये किसके अंदर जाते हैं बेटा, ब्लड के अंदर ही मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम करते हैं। यदि ये ब्लड के अंदर ही मिक्स हो गए हैं तो इसका भी सैंपल लेके हम देख सकते हैं कभी भी कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनका क्या लेवल चल रहा है साहब। पर मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको बेटा, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो भी क्या चल रहा है, कंपोजिशन का चल रहा है। जिसके अंदर आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती है, तो एक हॉर्मोन्स भी है जो क्या किया जाता है वहां पे पाया जाता है साहब। नेक्स्ट हम लिखते हैं इसके अंदर, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हॉर्मोन्स की बात चल गई है तो देखो इसके अंदर कई तरीके के हॉर्मोन हो सकते हैं आपके, कि FSH हो गया, LH हो गया, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हो गया, GnRH हो गया, ठीक है, ये कब काफी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। एक जो नॉर्मल जो बीमारी चलती है वो आपके थायराइड बीमारी चलती है ना, थायराइड बीमारी का आपने क्या सुना होगा कि यार उसके थायराइड बढ़ गया है। ये जब थायराइड बढ़ जाता है तो इसके अंदर क्या क्या हम चेक करवाते हैं, इसके अंदर बेटा T3 का चेक करवाते हैं, T4 का हम चेक करवाते हैं, और TSH जो एक हॉर्मोन होता है उसका भी हम चेक करवाते हैं। T3 और T4 हॉर्मोन आपके थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, जो TSH जो हॉर्मोन होता है आपके वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है आपके, रिलीज करने का काम करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो थायराइड यदि किसी के बीमारी हो गई है, ठीक है, जिसके थायराइड बढ़ गया है या हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, या फिर बाद में हम थायरॉयड की जांच करवा रहे हैं, तो उस जांच का नाम क्या होता है बेटा, थायरॉयड प्रोफाइल होता है। क्या जांच का नाम होता है, थायरॉयड प्रोफाइल होता है, और इसके अंदर आपके ये तीन चीजें चेक की जाती है, मतलब ये भी हम ब्लड के थ्रू ही चेक कर सकते हैं किसी के अंदर थायरॉयड का मामला बढ़ा हुआ है या फिर बाद में नहीं बढ़ा हुआ है साहब। ठीक है, तो ये हार्मोन भी आपके ब्लड के अंदर पाए जाते हैं सब। आगे हम देखने का काम करते हैं कि लास्ट में आपके क्या पाया गया था, एंटीबॉडी पाया गया था। एंटीबॉडी क्या करा गया था बेटा, पाया गया था। जैसे ही एंटीबॉडी आपके पाया गया था, एंटीबॉडी हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और इनको क्या भी बोलते हैं हम, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। और इनको एक इम्यूनोग्लोबिन कौन कौन से होते हैं, तो या फिर बाद में एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं, तो इनको गाम ए इसके नाम से हम याद रख सकते हैं, मतलब GAMDE। तो यहाँ पे IgG लगा दो, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये सभी तरीके के आपके क्या हो गए, एंटीबॉडीज हो गए हैं या फिर बाद में इम्यूनोग्लोबिन हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। या एंटीबॉडी जब हम पढ़ाएंगे तब उसके अंदर और डिस्कस हम कर लेंगे साहब। ठीक है, तो ये भी हमारे किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं साहब। ठीक है, सबसे जो मेजर पॉइंट होता है आपके होता है प्लाज्मा प्रोटीन का। क्या होता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन का होता है। अब जो ये प्लाज्मा प्रोटीन का आपके जो मेजर पॉइंट होता है, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, या फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो आपके प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। अब यदि इसको हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा हमारा टाइम खिंच जाएगा और 10 बजे से ऊपर टाइम चला जाएगा, और इस इतने सर्दी के अंदर जो आप मेरी क्लास ले रहे हैं, ठिठुर रहे हैं अपनी अपनी रजाई के अंदर बैठ के भी, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को कंटिन्यू कल करेंगे, क्योंकि ये
लगभग आधे घंटे का टॉपिक है और 10:30 बज जाएंगे और आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, मैंने नहीं खाया है तो मेरे को वो भी खाना है और भी मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग चल रहा है। आप लोगों की सेवाओं के लिए मैं फिर से कल वापस इसी टाइम पे 9 बजे फिक्स 9 बजे हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। डेली 9 बजे का टाइम रहेगा और क्लास ओनली लाइव रहेगी। आपकी क्लास है वो थोड़ी देर में प्राइवेट हो जाएगी, मतलब ये क्लास है वो आपको कभी भी नहीं मिलने वाली है वापस यूट्यूब पे। ये सिर्फ और सिर्फ कब मिलेगी, आज ही ये मिलेगी साहब, ठीक है। जिन्होंने ले लिए भाइयों, मैं सेकेंड ईयर में हूँ और सर की बदौलत मैं पास हो जाऊंगा, आप भी डेली क्लास लिया करो। हाँ सौरभ शर्मा जी, बहुत बढ़िया बात कही है आपने, ये सेकेंड ईयर में हमारे स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने क्लासेस ली है। सेकेंड ईयर के अंदर मैं आपको बता दूं, जो कोई भी मेरी क्लास ले रहा है मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि सेकेंड ईयर ऑडिट के अंदर जिन्होंने भी पेपर दिए थे वो पेपर आप एक साइड में रख लेना और मेरी वीडियो और जो सुरेंद्र सर की एसएस सर की जो वीडियो है वो एक साइड में रख लेना। आज भी मैंने प्राइवेट नहीं की है, वो देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपका वहीं से उठा के पूछा गया है। कई लोगों ने तो ये कहा था कि सर ने पेपर आउट करवा दिया क्या, कई लोगों को ये लगा कि सर ने पेपर आउट करा दिया या सर ने बनाया था। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने भी मेहनत की, सामने वाले बच्चों ने भी मेहनत की और दोनों की मेहनत का ये नतीजा रहा कि पेपर ऐसा का ऐसा एज इट इज आ गया पूरे 6 सब्जेक्ट के अंदर। एक एक आप वीडियो उठा के देख लेना, पेपर सोल्ड की भी देख लेना और एग्जाम से एक दिन पहले आपकी भी एग्जाम होगी तो मैं एक दिन पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लगाऊंगा, वो भी क्लास देख लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाता है, क्वेश्चन वहीं से आते हैं और हम मेहनत करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती है साहब, ठीक है बेटा। देख लेना आप, आपको यकीन नहीं है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। पूरी वीडियो हमारी पड़ी हुई है आपके सामने है एकदम। पेपर यदि नहीं है तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, कहीं से भी कोई भी आउट क्वेश्चन नहीं गया है। एनाटॉमी की मैं बात करूं, मैं फिक्स कह देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो वही आएंगे बेटा। यहाँ पे एक्सपीरियंस बोलता है और एग्जामिनर कितना ही कहीं से दे दे, अपन उस लेवल से पढ़ाई करके चल रहे हैं कि कहीं से भी कितना भी डीप में वो दे दे, अपन कहीं पे भी मात नहीं खाएंगे क्योंकि हम कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा टेक में पढ़ रहे हैं। और एक्स्ट्रा टेक में पढ़ने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी एक तरीके से एक्स्ट्रा है और टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा कहाँ पे, अपने माइंड से ही। तो जो टेक्नोलॉजी होगी वो एक्स्ट्रा रहेगी और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन जाएंगे साहब, ठीक है। और ऐसे ही आप सब लोग, सर मैं भी उधर से पढ़कर ही पास होऊंगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक बार और बता दूं, आपका जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में, तो हमारे चैनल के ऊपर यहीं पर आपको फ्री प्रैक्टिकल क्लासेज भी मिलती है। क्या मिलती है? फ्री प्रैक्टिकल क्लासेज भी मिलती है, फ्री प्रैक्टिकल क्लासेज भी मिलती है जिसके अंदर वीडियो भी आपको बताए जाएंगे, इमेज भी आपको बताई जाएगी और आपको ये भी बताया जाएगा कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो। आपका जिस दिन प्रैक्टिकल होगा उससे एक दिन पहले आपको ये सब कुछ बता दिया जाएगा और एग्जामिनर में इतना दम नहीं कि वो अपना पढ़ाए हुए के बाहर वो पूछ ले। तो वीडियो भी आपको बताए जाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है, या फिर बाद में इमेजेस पूछी जा सकती है, वहां पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पड़े हो सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सब कुछ अपन यहीं पे पढ़ाते हैं साहब। मैंने यहीं से पढ़ा था एसएस सर से और आपसे पूरे के पूरे पेपर मिल गए जी। सौरभ जी आप ही की बात हो रही थी। तो सभी लोग टेलीग्राम पे एक लिंक दिया गया, वो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे साहब, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही मैं आपका साथ बनाए रखूंगा, आप मेरा साथ बनाए रखिए और हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे तो एक दिन जरूर सफलता प्राप्त होगी। मेहनत कभी भी हम जो करते हैं कभी भी लाइफ में बेकार नहीं जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए बेटा राधे राधे, नमस्कार, गुड नाइट और आराम से अपने रजाई के अंदर क्या कर सकते हैं आप, सो सकते हैं साहब, ठीक है। आपकी कुछ क्वेरीज हैं कुछ है तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप या यदि आपको कुछ भी दिक्कत रहती है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, हमारे जो नंबर है 9376725931, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप जो भी व्हाट्सअप करेंगे आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे क्वेरीज होंगी वहां पे आपको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी,
ठीक है, तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी आप पढ़ा रहे हैं उसकी जो पीपीटी है ना, जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं चीजें लिख रहा हूँ, इसकी पीपीटी भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। वो कब मिलेगी? जब भी आपके ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा, उसके लिए भी आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं साहब, ठीक है। ठीक है बेटा, सोते हैं, आप भी सोइए, मैं भी सोता हूँ, आराम से मस्त मजे करिए। बस मजे करने के साथ में क्या करेंगे बेटा, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे साहब, ठीक है। सर जी, कॉम्पैक्ट बैच कब चालू करेंगे? कंपटीशन बैच बेटा, ओटी टेक्नीशियन बनने का, वो आप बताओ कब चालू करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद में हम चालू कर देंगे। बहुत अच्छा मोटिवेशन है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुलदीप जी, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए गुड बाय। गुड।